चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज बॉडीज पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके तीन तरीके हैं। पहला, सबसे पहले अगर मान लो बॉडी पे चार्ज लेंथवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कुछ फिगर्स ऐसी हैं जैसे रॉड, रिंग, जिनके ऊपर मास लेंथवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उन फिगर पे जो चार्ज है वो लेंथवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और लेंथवाइज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर का मतलब लेंथवाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो अगर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसके लिए डेंसिटी यूज करते हैं लैम्डा। लैम्डा का मतलब है चार्ज की डेंसिटी, यानी कि कितना चार्ज है और कितनी लेंथ पे है। मान लो डी क्यू चार्ज है, डीएल लेंथ पे है, इसकी रेशियो को लैम्डा बोलते हैं। या ऐसा भी हो सकता है अगर टोटल चार्ज इसके ऊपर क्यू है, टोटल लेंथ रॉड की एल है, तो कितना चार्ज अपॉन कितनी लेंथ को क्या बोलते हैं? लैम्डा। और लैम्डा का नाम क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये तब यूज होती है जब आपको क्वेश्चन के अंदर चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड गिवन होते हैं। जैसे हो सकता है अब आपको क्वेश्चन में ऐसे दे, लैम्डा इज 5 कूलम पर मीटर, चार्ज पर यूनिट लेंथ दे रहा है लैम्डा। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? चार्ज बाय लेंथ। और आपको इस रॉड की लेंथ दे रहा है 10 मीटर, और आपसे क्या पूछ रहा है? चार्ज की वैल्यू कितनी है बताओ। तो लैम्डा होता क्या है? चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज क्या होगा? लैम्डा इंटू लेंथ। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 5। लेंथ की वैल्यू कितनी है इसमें? 10। आंसर क्या आ गया? 50 कूलम। यानी कि लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब ये है। तो जिन क्वेश्चन में आपको लैम्डा गिवन होता है और आपको चार्ज चाहिए होता है, तो लैम्डा को कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ से मल्टीप्लाई करें, चार्ज आ जाएगा, राइट? उसी तरीके से कुछ बॉडीज ऐसी हैं जिसपे चार्ज एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे डिस्क। डिस्क के ऊपर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया। जैसे एक सॉलिड, एक शेल, हॉलो शेल, खाली शेल, खाली एक स्फीयर, उसके ऊपर चार्ज हवा अंदर तो ऊपर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया वाइज। तो एरिया वाइज में हम क्या यूज करते हैं? डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है? डी क्यू चार्ज है और मान लो डी एस सरफेस एरिया के ऊपर, तो डी क्यू बाई डी एस क्या है? सिग्मा। तो अगर चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लैम्डा, सरफेस एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा। और कुछ बॉडीज ऐसी हैं जैसे कि एक सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज है, सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज है, वॉल्यूम के अंदर भरा हुआ चार्ज है, तो रो। रो का मतलब है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो रो का मतलब क्या है? कितना चार्ज है, कितने वॉल्यूम पे है। एक चीज क्लियर कर देता हूं इससे पहले इस वॉल्यूम की बात करूं, जब भी चार्ज वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा पेपर में, वॉल्यूम बॉडी के अंदर चार्ज घुसा हुआ है, वो बॉडी कभी भी कंडक्टर नहीं हो सकती। कंडक्टर के अंदर आप चार्ज भर ही नहीं सकते, आपने उसको इलेक्ट्रॉन भर दिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भाग के सरफेस पे आ जाएंगे। कंडक्टर के अंदर कभी चार्ज स्टे नहीं करता, आप चार्ज भर भी देंगे वो सरफेस के ऊपर उसे आना ही आना है। तो फिर ये क्या है? ये एक नॉन कंडक्टिंग मटीरियल है, जैसे माइका की शीट है, या जैसे कोई ऐसा मटीरियल जो कि डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, स्पेशल मटीरियल्स हैं, माइका की शीट एग्जांपल है। इसके अंदर क्या खास बात है? चार्ज भर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन, ये इंसुलेट, ये जो कंडक्टर नहीं है, तो चार्ज इसमें फ्लो नहीं करता, चार्ज रुक सकता है। तो इसीलिए कभी भी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आए तो वो कंडक्टिंग मटीरियल नहीं है, वो नॉन कंडक्टिंग मटीरियल है, ये बाय डिफॉल्ट याद रखना। वैसे पेपर में गिवन होता है, पर अगर गिवन ना भी हो तो प्लीज कोई ये ना सोचिए कंडक्टर है, ये कंडक्टर नहीं हो सकता, ये नॉन कंडक्टर है। तो इसमें रो यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं, आज का लेक्चर आपको ये बताएगा, इसकी एप्लीकेशन जो आगे कंटिन्यू करते हैं।